तो नमस्कार साथियों, मैं महेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गोपाल ज्ञान में। और आज मैं उपस्थित हूं यहां आपके सामने बच्चे बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, इसका नाम होने वाला है ट्रांसलेशन। जी हां, मैंने आपके सामने एक स्टोरी ली है जो कि 12th स्टैंडर्ड में 12th के बच्चों के लिए बेहद ही ज़रूरी है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आज हम ये सीखेंगे कि ट्रांसलेशन के बेसिक्स क्या हैं और ट्रांसलेशन कैसे करी जाती है और स्टोरी कैसे बनाई जाती है। मैंने यहाँ पर एक स्टोरी ली है जो 2023 यानी कि पिछले बरस पूछे गए बोर्ड के पेपर की एक स्टोरी है। और अब हम ये जानेंगे कि ये स्टोरी हम किस तरीके से बनाएं। इन सारी चीज़ों को समझना अपने आप में बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ट्रांसलेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इस स्टोरी को हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी है कुछ ट्रिक्स, यहाँ पर मैंने ट्रिक लिखी है। और ट्रिक बच्चे ये कब अप्लाई करेंगे आप, तो ये ट्रिक आप तब अप्लाई करेंगे जब बच्चे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि पहले हमें काम क्या करना है, पहले बच्चे हमें पहले क्या करना है, पहले हमें टुकड़ों को बनाना है। जो छोटे छोटे टुकड़े हमारे और आपके सामने स्टोरी में दिए जाते हैं, हमें उन टुकड़ों को बना लेना है। जैसे कि आपके सामने दिया जाता है पिछले साल या पिछले महीने या दो दिन बाद या यह करने के पश्चात, ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। आजकल के दौर में, आधुनिक भारत में, इस तरीके के जो टुकड़े हैं वो आपको जहाँ पर लिखे हैं वहीं पर बना लेने हैं। उसके बाद हमें बच्चे खोज करनी है कर्ता की। इसकी खोज करनी है, हमें कर्ता की खोज करनी है, हमें सब्जेक्ट की खोज करनी है। अब जैसे ही सब्जेक्ट का पता लगा, अब सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट का पता बच्चे हम लगाएंगे क्रिया में कौन जोड़कर, क्रिया में कौन जोड़कर हम सब्जेक्ट का पता लगाएंगे। आपके सामने कोई भी सेंटेंस लिखा होगा या बहुत से सेंटेंसेस लिखे, जैसे कि यहाँ लिखा है कि समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो मैंने आपसे पूछा कि कौन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है या कौन है, तो आप कहेंगे समय। मैंने कहा इसका पालन न करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता है, तो कौन असफल नहीं होता है, तो आप कहेंगे इसका पालन न करने वाला मनुष्य। पूरा करता हो गया। बच्चे आपके सामने लिखा है बीता समय कभी लौट कर नहीं आता, तो कौन लौट कर नहीं आता, तो आप कहेंगे बीता हुआ समय। तो इस तरीके से हम आपके सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का बच्चे पता लगाएंगे। सब्जेक्ट का जैसे ही हमें पता लग जाएगा, हम सब्जेक्ट को लिख देंगे, क्योंकि वाक्य में जो सब्जेक्ट होते हैं वो सबसे पहले लिखे जाते हैं। बच्चे आपने देखा होगा, आप जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। इस तरीके से हम लोग, अब सब्जेक्ट वो कितना भी बड़ा हो सकता है, वर्ब एक या दो हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको इन चीज़ों को अप्लाई करना है बस। उसके बाद जैसे ही कर्ता का पता चले, वैसे ही आप चले जाओ सीधा पीछे, वाक्य में आप पीछे चले जाओ। और पीछे जाने पर ये पता चलेगा कि यह वाक्य कौन सा है, क्योंकि पीछे लिखी होती है क्रिया, पीछे लिखी होती है क्रिया। और क्रिया का जैसे ही पता चला, आपको वर्ब का पता चल गया बच्चे, और ऐसे ही आपको वर्ब का पता चला, आप वर्ब लिख देंगे और आप वाक्य में धीरे धीरे से आगे बढ़ते चले जाएंगे और धीरे धीरे से आपका जो सेंटेंस है वो बन जाएगा, आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही बन जाएगा। इन्हीं चीज़ों को आइए अप्लाई करके देखते हैं कि ये चीज़ें कितनी इफेक्टिव हैं। जैसे कि लिखा है बच्चे समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि क्या कहीं टुकड़ा है, तो यहाँ पर हमने देखा कहीं भी कोई भी टुकड़ा नहीं है, कोई टुकड़े का प्रयोग नहीं हुआ। तो हम सीधे गए और सब्जेक्ट को देखने का प्रयास किया। और सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, तो सब्जेक्ट बच्चे ढूंढने के लिए हमने क्या बताया आपको, कौन से रिप्लाई पूछो, समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, तो कौन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, तो बच्चे आपने कहा समय, तो हमने लिख दिया समय।
टाइम टाइम। अब यहां पर ये सिंपल प्रेजेंट का एक वाक्य है, हम लिखेंगे टाइम इज। अब सबसे बड़ा शत्रु, तो पीछे से थोड़ा सा आगे आए, सबसे बड़ा सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे बड़ा तो बड़ा बिग मीन्स होता है बड़ा। अब इसकी बनाएंगे सुपरलेटिव, सुपरलेटिव लगाएंगे ईएसटी बनाकर, तो बच्चे सुपरलेटिव लगा दी बिगेस्ट, और शत्रु की बात स्पेलिंग होती है इनेमी इनेमी। अब सुपरलेटिव के पहले लगता है आर्टिकल द, तो टाइम इज द बिगेस्ट एनेमी, और उसके बाद आगे चले तो का। अब का के लिए काकी के लिए लिखते हैं ऑफ, उसके बाद आगे चले तो मनुष्य, और मनुष्य के लिए लिखते हैं बच्चे मैन, और फुल स्टॉप। आपका सवाल बन गया कि टाइम इज द बिगेस्ट एनेमी ऑफ, टाइम इज द बिगेस्ट एनेमी ऑफ मैन। तो ये सवाल आपका तैयार हो गया। उसके बाद लिखा है इसका पालन ना करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता है, तो बच्चे लिखा है इसका पालन ना करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता है। अगर हम देखें तो ये सेंटेंस जो है वो ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सवाल है, कौन कभी सफल नहीं होता है। तो बच्चे हमने सीखा है कि कौन से कर्ता का पता चलता है। अब टुकड़ा इसमें कोई है ही नहीं, टुकड़ा नहीं है तो सीधा कर्ता पे आओ, पहली स्टेप काम नहीं करी, लेकिन दूसरी स्टेप पे आओ, सब्जेक्ट का पता लगाना है। तो इसका पालन ना करने वाला मनुष्य, अर्थात वह मनुष्य जो इसका पालन नहीं करता है, अर्थात अ पर्सन, एक व्यक्ति, जो कि हु इसका पालन नहीं करता है, मानी हु डज नॉट फॉलो, हु डज नॉट फॉलो इसका। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो हम इसे लिख देंगे दिस, या हम इसके लिए इट भी लिख सकते हैं। तो ये बच्चे हो गया सब्जेक्ट। तो जो अ पर्सन हु डज नॉट फॉलो दिस, एक वह व्यक्ति जो इसका पालन नहीं करता है कभी सफल नहीं होता है, कभी भी सफल नहीं होता है, या कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले अ पर्सन हु डज नॉट फॉलो दिस, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब कैन। अब कभी नहीं के लिए लिखेंगे नेवर, कैन नेवर बी सफल की सक्सेसफुल, कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो बन गया अ पर्सन हु डज नॉट फॉलो दिस कैन नेवर बी सक्सेसफुल। उसके बाद लिखा है कि बीता समय कभी लौटकर नहीं आता, बीता समय या बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। तो कौन कभी लौटकर नहीं आता, बीता हुआ समय। तो बच्चे बीता हुआ समय के लिए लिखेंगे द पास्ट टाइम, द पास्ट टाइम। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सवाल है, कभी नहीं के लिए लिखते हैं नेवर, कभी नहीं को बच्चे जब मिलाकर लिखते हैं तो इसका मतलब हो जाता है नेवर, लौटकर आना, तो लौटकर नहीं आता, लौटना की होती है कम्स बैक, कम्स बैक, या रिटर्न्स भी लिख सकते हैं, द पास्ट टाइम नेवर कम्स बैक, द पास्ट टाइम नेवर रिटर्न्स, कि जो बीता हुआ समय है वो कभी लौटकर नहीं आता। हमने कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। तो हमने कहा था पहले टुकड़े बना लो, तो टुकड़ा क्या है, कहा जाता है। अब कहा जाता है तो इट इज सेड, इट इज सेड। अब की के लिए लिख दिया दैट, इट इज सेड दैट। अब समय देखो, नदी की लहर और समय की गति किसी का किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, तो कौन किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, या कौन किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। तो आप कहेंगे कि नदी की लहर और समय की गति, ये हो गया पूरा सब्जेक्ट, किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। तो सबसे पहले लिखेंगे नदी की लहर, तो नदी की लहर का मतलब है द वेव्स ऑफ रिवर, और एंड समय की गति द पेस या स्पीड, जो भी आपको अच्छा लगे, ऑफ टाइम। किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, ये सवाल आपके सामने जो लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सवाल है, तो हम लोग लिखेंगे वर्ब आएगी प्लूरल, क्योंकि यहाँ एंड का प्रयोग कर लिया हमने बच्चे बीच में, और जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं
आने वाली वर्ब प्लूरल होती है। तो द वेव्स ऑफ रिवर एंड द पेस ऑफ या द स्पीड ऑफ टाइम वेट के बाद फोर प्रीपोजिशन लगती है। वेट फोर किसी भी के लिए हम नो वन का प्रयोग कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी और नहीं इन्हें मिला दिया हमने, तो यहाँ क्या हो गया, नो वन हो गया। या फिर आप इस वाक्य में डू नॉट का प्रयोग भी कर सकते थे, तो यहाँ पर एनी वन हो जाता बच्चे, ठीक है। उसके बाद लिखा है इसीलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। तो इसीलिए अब ये टुकड़ा हो गया यहाँ, तो मैंने इस टुकड़े को पहले बनाया, इसीलिए के लिए बच्चे लिखते हैं हम देयरफोर। क्या लिखेंगे बच्चे, देयरफोर, देयरफोर। समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। तो सदैव क्या चीज लाभदायक होती है, कौन सी चीज सदैव लाभदायक होती है, तो आप कहेंगे समय के साथ चलना, समय के साथ चलना। तो इसको इन्फिनिटिव फ्रेज है, चलना, नानी ने, जीरंड, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव वर्ब आपने सीखी होगी। इन्फिनिटिव वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाई जाती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाई जाती है और हिंदी में अर्थ रखती है नानी ने। इसका अर्थ रखती है बच्चे, नानी ने का अर्थ रखती है। तो समय के साथ चलना, टू मूव विथ टाइम, विथ टाइम। अब समय कोई चीज तो है नहीं कि उसके साथ आप भागते फिरेंगे, तो इसलिए आप मूव लगा दिया। मूव का मतलब होता है एक्टिविटीज करना, समय के साथ एक्टिविटीज अगर आप करेंगे तो वो चीज सदैव लाभकारी होती है। तो यहाँ कुछ बच्चे वॉक का प्रयोग भी कर देंगे, बच्चे वॉक का प्रयोग कैजुअली तो हम लोग कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऑकवर्ड माना जाएगा, इसीलिए यहाँ मूव लिखना ही ठीक है। टू मूव विथ टाइम कामा होता है, सिंपल प्रेजेंट का सवाल है, इज सदैव ऑलवेज, ऑलवेज लाभकारी, लाभदायक का मतलब होता है बेनिफिशियल। क्या होता है बच्चे, बेनिफिशियल, 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 क्या होता है बेनिफिशियल। तो हमेशा कैसा होता है, बेनिफिशियल होता है। तो इस तरीके से अगला सवाल, छात्रों के लिए समय का एक एक क्षण बहुत जरूरी होता है। तो छात्रों के लिए समय का एक एक क्षण कैसा होता है, बहुत जरूरी होता है। तो अब देखो छात्रों के लिए ये टुकड़ा है, छात्रों के लिए क्या है, टुकड़ा। तो फॉर छात्रों के लिए तो हम लिखेंगे फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कामा, समय का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान होता है। तो कौन मूल्यवान होता है, तो आप कहेंगे समय का एक एक क्षण, समय का एक एक क्षण मानी एवरी सिंगल मूमेंट, क्षण का मतलब होता है मूमेंट, एवरी सिंगल मूमेंट होता है। सिंपल प्रेजेंट इज वेरी, इज वेरी वैल्यूएबल, वैल्यूएबल, इज वेरी वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब होता है बच्चे मूल्यवान, क्या होता है मूल्यवान होता है वैल्यूएबल का मतलब। तो हमने पहले टुकड़े को बनाया फॉर द स्टूडेंट्स, फिर समय का एक एक क्षण किसके बारे में बात हो रही है, फिर करता वो होता है जो काम को करता है जिसके बारे में बात होती है। तो समय का एक एक क्षण एवरी सिंगल मोमेंट होता है, तो इज लिख दिया वेरी बहुत, वैल्यूएबल का मतलब इम्पोर्टेंट, सॉरी मूल्यवान होता है। अब कुछ सेंटेंस देखेंगे, जैसे कि लिखा है उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए, उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। तो अब सबसे पहले बात किन की हो रही है, उन स्टूडेंट्स की हो रही है, तो उन्हें के लिए हम दे का प्रयोग करेंगे, दे। अब यहाँ पर चाहिए का प्रयोग हुआ है, तो चाहिए के लिए बच्चे हम लगा देंगे शुड, क्या लगा देंगे शुड, बनानी चाहिए। देखो सबसे पहले हमने क्या कहा, किन्हें बनानी चाहिए, तो उन्हें, उन्हें कौन थे, दे प्रयोग कर दिया। फिर हमने क्या कहा, पीछे जाओ टेंस पता करो, तो चाहिए के लिए शुड लिख दिया। अब आगे चलो, धीरे धीरे से आगे चलेंगे, धीरे धीरे से, जब धीरे धीरे से आगे चलेंगे तो हमने सीखा चाहिए ऊपर बनाना की मेक, दे शुड मेक, दे शुड मेक अपनी दिनचर्या, दिनचर्या का मतलब होता है बच्चे डेली रूटीन, क्या होता है डेली रूटीन। तो अपना के लिए लगाएंगे दियर, क्या लगाएंगे दियर। उसके बाद डेली, डेली रूटीन, क्या लिखेंगे बच्चे रूटीन, डेली रूटीन। तो डेली रूटीन के लिए क्या होता है, दिनचर्या का मतलब होता है, दिनचर्या का मतलब होता है डेली रूटीन। किस तरीके से, समयबद्ध ढंग से, समयबद्ध
ढंग से, तो समयबद्ध ढंग से, इसका मतलब या तो हम एडवर्ब लिखेंगे या कोई एडवर्बियल फ्रेज लिखेंगे। अच्छा मैनर को बता रहा है तो हम मैनर के लिए कोई एडवर्बियल फ्रेज लिख देंगे। तो समयबद्ध का मतलब समय को बांधते हुए, जैसे कि इन अ टाइम टाइम बाउंड मैनर, टाइम बाउंड मैनर, टाइम बाउंड मैनर। इस तरीके से दे शुड मेक दियर डेली रूटीन इन अ टाइम बाउंड मैनर, मनी समयबद्ध ढंग से। समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है, समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। तो कौन असफल नहीं होता है, तो समय का पालन करने वाला व्यक्ति। तो अ पर्सन, पहले भी ऐसा सेंटेंस बना चुके बच्चे, अ पर्सन हु फॉलोज, हु फॉलोज टाइम, कभी भी असफल नहीं होता। तो कभी नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो नेवर, नेवर, तो नेवर असफल होना की होती है बच्चे फेल, तो हम लोग लिखेंगे फेल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो नेवर फेल्स, काय में जीवन में, किसमें जीवन में, जीवन में कभी भी असफल नहीं होता है। अ पर्सन हु फॉलोज टाइम नेवर फेल्स इन टाइम, नेवर फेल्स इन लाइफ, कभी भी जीवन में असफल नहीं होता है। तो बच्चे इस तरीके से हमने ये स्टोरी पूरी कंप्लीट की, जो कि 12th स्टैंडर्ड की स्टोरी थी, पेपर में आना बेहद ही लाजमी है और जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।